समावर्तन के अवसर पर इतना अवश्य कहूंगा कि जिस क्षण से गुरुकुल ने तुम्हें स्नातक घोषित किया उसी क्षण से तुम्हारी दूसरी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अब देखना यह है कि गुरुकुल की शिक्षा को कितना तुम अपने जीवन में उतार पाते हो। सत्यनिष्ठ मूल्यों को आदर्श की संज्ञा दे, अपने सुखों के समाधान के लिए उनसे बचने का प्रयास करोगे तो यह आडंबर होगा। सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर अपने कुल और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, यही गुरुकुल की तुमसे अपेक्षा है। सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपस्थास्ते अनमिवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसुता दीर्घनायु प्रतिबुद्धिमाना वयं तुष्यं बलहृतस्याम। ओम। हमसे भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है जहां स्वर्ग और मुक्ति का द्वार है। ईश्वर भी इन्हीं शब्दों में भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। पवित्रता, त्याग और साहसियों की भूमि, ज्ञान विज्ञान कला व्यापार व औषधियों से परिपूर्ण भूमि, हमारे पूर्वजों की कर्म भूमि जहां दानवी शक्तियों को दैवी शक्तियों ने पराजित किया, उत्तुंग शिखरों व सुंदर वनों से आच्छादित पवित्र आनंद शौर्य उत्सर्ग राष्ट्र भक्ति श्रेष्ठ गुणों व दया के लिए प्रसिद्ध भूमि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि और उसी भारत भूमि के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना के साथ मां भारती के पुत्र आज अपनी अपनी जन्मभूमि वापस जाएंगे। पर मैं आज यहां से किसी मागध, किसी मालव, किसी लिच्छवी, किसी कुरु, किसी पांचाल को नहीं जाने दूंगा। आज यहां से सिर्फ भारतीय जाएगा। अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों को धारण करने वाले जन समूहों को भारत भूमि एक घर में निवास करने वाले सहोदरों के समान धारण करती है। हमारी मातृभूमि राजनैतिक रूप से अनेक महाजनपदों में बटी अवश्य है, पर सांस्कृतिक रूप से वह एक है। एक ही संस्कृति के प्रवाह में मां भारती के पुत्र पल्लवित हो रहे हैं, तो जनपदों की सीमाएं उन्हें कैसे बांट सकती हैं? मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा, संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। भारतीय आध्यात्म तो दावे के साथ कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार निश्चित है, पर उससे पहले मानव का मानव से एकाकार तो हो। क्या जनपदों की सीमाएं मानव को मानव से मिलने से रोक सकती हैं? और यदि ऐसा है तो उन सीमा रेखाओं को मिटाना है जो हमारे हृदयों पर अंकित हैं। जब स्नातक यहां से जाएं तो जितने जोर से हो सके गाएं हमारी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता का स्वर, समवेत स्वर, ताकि गुरुकुल के आचार्यों को विश्वास हो कि उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, उसे खंड खंड में बांटा नहीं है। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्थिष्ठ भारत। ओम।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।